हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए है जो लोग बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और कुछ रीज़न की वजह से पिछली बार एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो इस बार एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूपीटेट का रिज़ल्ट आने वाला है और जिस बेसब्री तरीके से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ बच्चों से मैंने बात करी, हमने कहा आपका सीटेट तो हो गया है, यूपीटेट होने में क्या मतलब, यूपीटेट में तो अब हो ही जाना, नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं है। तो कहते हैं कि सर दोनों हो जाएगा तो मज़ा कुछ और ही है। तो बिल्कुल आपका मज़ा जो है बिल्कुल कुछ और हो जाएगा, मतलब अच्छी बात है, आपका सीटेट और यूपीटेट दोनों क्वालिफाई हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये आपके लिए आने वाली है कि जो यूपीटेट का रिज़ल्ट है वो अभी उसकी डेट क्या होगी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक दिया है, उससे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। अभी मैंने करंट अफेयर डाले हैं जनवरी से मार्च तक के, वो आपको मिल जाएंगे। और जो सुपर टेट के जो आपके टेस्ट पेपर्स होंगे वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएड एडमिशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी के रिजल्ट के बारे में। ठीक है, देखिए न्यूज़ क्लिपिंग आई है, न्यूज़ क्लिपिंग में ये बताया गया है। और न्यूज़ क्लिपिंग की बात छोड़िए, जो अभी जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं सर संदीप सिंह नाम है, तो उन्होंने कहा है कि भाई शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो जल्द से जल्द उसका परिणाम जारी किया जाएगा। और उन्होंने शिक्षक भर्ती को लेकर भी बात करी है। ठीक है, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा है कि शिक्षक भर्ती किस दिन आएगी, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम सभी भर्तियों पर निगाह बनाए रखे हैं और जल्द से जल्द जो है भर्तियाँ जारी की जाएंगी, नोटिफिकेशन जो है उनके आएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा की। तो यहाँ पे देखिए, उन्होंने ये कहा है जो बेसिक जी संदीप सिंह जो है बेसिक शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो नियामक प्राधिकारी कार्यालय की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया है, पहले प्रस्ताव भेजा गया था 25 फरवरी को रिजल्ट परिणाम जो है वो घोषित किया जाना था, लेकिन विधानसभा चुनाव थे तो रिजल्ट जो है वो 25 फरवरी को जारी नहीं हो सका है। तो उसके बाद में ये कहा गया है कि आगे 7 दिन मतलब आज से लेकर के मतलब 10 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट हर हालत में आ जाएगा। यहाँ पर मैं नहीं कह रहा, यहाँ पर ये जो संदीप सिंह जी हैं वही कह रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो आपका जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द का मतलब यही है कि रिजल्ट तैयार रखा होगा, वो बस जारी नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो रिजल्ट जारी करेंगे तो उनको फिर जवाब देना पड़ेगा शिक्षक भर्ती पे कि अब शिक्षक भर्ती कब आ रही है। ठीक है, बिना यूपीटेट के शिक्षक भर्ती नहीं लाई जाएगी, तो वो इसीलिए शायद यूपीटेट का जो रिजल्ट है वो लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो अगली न्यूज़ वो ये है कि जो हमारे बीएड के फॉर्म हैं, जो भी बच्चे बीएड के फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनके लिए इस बार भी फीस भी कम कर दी गई है। पहले शायद फीस 1400 समथिंग कुछ थी ऐसे समथिंग, तो 1200 समथिंग कुछ थी, इस बार जो फीस है मतलब कुछ रुपये जो है कम कर दी गई। कितनी कम कर दी गई मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है, बट कहा है कि फीस जो है कम कर दी गई। तो वही ये है, फीस जो है इस बार आपकी रहेगी 1000 रुपीज़, और जो आपका SC ST जो बच्चे हैं उनके लिए 500 रुपीज़ रहेगा। ठीक है, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 18 अप्रैल से स्टार्ट होगा, मतलब आज 4 अप्रैल है और 20 मई तक फॉर्म ऑनलाइन चलेंगे। तो अगर आप अंडर टाइम फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आपका कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप लेट हो गए फॉर्म फिल करने में, 20 मई के बाद अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 1600 रुपये देने पड़ेंगे जर्नल और OBC वालों को, और साथ ही साथ में EWS वालों को, और जो SC ST के बच्चे हैं उनको 800 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप देर से फॉर्म भरते हैं आफ्टर जो डेट है लास्ट डेट उसके बाद में। और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो जुलाई के 1st वीक में करा लिया जाएगा, अगस्त में आपका काउंसलिंग होगा, और सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के 1st वीक से ही आपकी क्लासेस रन होने लगेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो है, और आपका जो सुपर टेट का सीटेट की जो क्लासेस हैं, ठीक है, उनका जल्द से जल्द आपके जो वीडियो हैं वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कल आपको डेट बता दी जाएगी कि किस टाइम जो है वीडियोज़ अपलोड होंगे। सुपर टेट का जो है मॉर्निंग में अपलोड होगा, और जो सीटेट का वीडियो है वो शाम को अपलोड होगा। अप्रॉक्सीमेटली टाइम जो सुबह का रहेगा वो 8 बजे के टाइम रहेगा, और शाम का जो वीडियो है वो कम से कम 5 बजे मतलब 5:45 इसी के टाइम जो है टाइमिंग रहेगा वीडियो अपलोड होने का। ठीक है, रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगा सुपर टेट का और सीटेट का। चलिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।